देखो बुरा मत मानो, पर आज मैं लंच अकेले ही करना चाहूँगा। पर आप मेरे साथ लंच क्यों नहीं करना चाहते सर? देखो मुझे तुम्हारा खाना इतना पसंद नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं खाना बनाना सीख लूँगी और मैं रोज आपका फेवरेट खाना लेकर आऊँगी। जब भी मैं आपको इस तरह से देखती हूँ तो मुझे अपने बड़े भाई की याद आ जाती है। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? बैल निकालने का कंपटीशन। इसके लिए क्या सिर्फ मैं ही मिला था? लगता है बार्बर शॉप जाने का वक्त आ गया। हाँ ठीक है, तो आप शिनचैन को भी साथ ले जाइए। शिनचैन को? अगर मैं इसे अपने साथ ले गया तो ये बहुत परेशान करेगा और मैं आसानी से अपने बाल नहीं कटवा पाऊंगा। मिट्सी, पिछले महीने मैं इसे अपने साथ लेकर गई थी ना हैरी, अब आपकी बारी समझ है। समझ गया समझ गया, मैं ले जाऊंगा शिनचैन को भी। फिर ठीक है। संडे के दिन भी मुझे आराम नहीं, डैड के साथ बाबा शॉप जाना पड़ रहा है, मम्मी सब जानबूझ के करती हैं। ये बातें मुझे कहनी चाहिए वैसे तुमसे। मैं तो किसी सैलून या पार्लर में जाऊंगा, बाबा शॉप में नहीं। ऐसी जगहों पर लड़के नहीं जाते हैं। डैड आपको कुछ भी नहीं पता, जमाना बदल गया है, आजकल हर कोई पार्लर जाता है। आजकल के लड़के खाने पीने पर तो ध्यान देते नहीं, बस सारा ध्यान देते हैं अपने लुक्स पर। कभी कभी आप भी सही बोल देते हैं। पर आप भी अपनी इस पुराने स्टाइल की दाढ़ी और हेयर स्टाइल का कुछ कीजिए। आदमी को वक्त के साथ बदलना चाहिए। क्या आप दोनों ही शैम्पू और कटिंग करवाएंगे? मुझे शेव भी करवानी है। क्या कहा? डैड ऐसी जगहों पे शेविंग नहीं की जाती है, समझे? शेविंग कह दिया मैंने, वो गलती से कह दिया, मैं मजाक करता हूँ, मेरी आदत है। अगर आप फ्री हो तो मेरे बाल आप ही काट दीजिए। ठीक है। क्या ऐसी बाबा शॉप में इस तरह से कोई किसी को रिक्वेस्ट कर सकता है? बिल्कुल। डैड आप यहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपके ज्ञान पे दुख हो रहा है। कोई बात नहीं है, पहली बार था इसलिए ऐसा हो गया। हेलो, कैसे हैं आप? मेरा नाम है करिश्मा और बालों को काटने के लिए मेरे हाथ में है करिश्मा। अरे करिश्मा सर, क्या कहा आपने? ये करिश्मा बार्बर है, जानते हैं यही है जो टीवी और मैगजीन में हर जगह दिखते हैं। लेकिन इनके बारे में जो आर्टिकल है बहुत छोटा है और करिश्मा नाम भी थोड़ा पुराने स्टाइल का है। दरअसल बेटे मेरा नाम करिश्मा नहीं है, करिश्मा है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट है और इसका मतलब होता है कोई ऐसा आदमी जो किसी का भी दिल जीत ले, बिल्कुल जीनियस मेरी तरह, क्यों समझे तुम? वीनस, वीनस, वीनस एक तारे का नाम है ना, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया। नहीं तुम कुछ भी नहीं समझे। तो फिर आप ही समझा दीजिए, क्या समझाना चाहते हैं? शायद कुछ नहीं सर, आपको जल्दी करनी चाहिए वरना आप अगली अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो जाएंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, मैं हमेशा बहुत बिजी रहता हूँ। बात यह है कि अभी अभी मेरा एक अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ है, तो तुम एक काम करो, इन्हें टाइम दे दो। आइए पहले मैं शैम्पू कर देती हूँ। जी हाँ जी हाँ, चलिए। अरे ये क्या हो रहा है? डैड डैड, मैं हूँ ना, फिक्र मत कीजिए। ठीक है बेटा। मैं कई बार मॉम के साथ पार्लर जा चुका हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। यहाँ पर देखिए डैड, यहाँ बालों को सीधा कराया जा रहा है और यहाँ पर भैया बालों में कलरिंग करवा रहे हैं। आप कौन सा कलर करवा रहे हैं? दरअसल ब्राउन्स कलर। तो हमने जाना कि भैया अपने सफेद बालों को छिपाने के लिए कलरिंग। चाहे मजाक ज्यादा करता, चलो। डैड अब आप मेरी दाएं तरफ देखिए, यहाँ पर स्टीम ट्रीटमेंट हो रहा है, मॉम इसे हमेशा करवाती हैं। मित्सी भी अजीब है, हमेशा बेकार के काम करवाती है, इससे तो बाल अजीब से हो जाते हैं। मैं अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा था, आपके बालों के बारे में कुछ नहीं कहा मैंने, मैं सच कह रहा हूँ। अब तो सबको पता चल गया होगा कि आप पार्लर में पहली बार आए हैं, आराम से बैठ जाइए। ऐसी बार्बर शॉप में भी कैसी कैसी मशीनें होती हैं। मेरा मतलब दूसरी जगह पर वो जरा अलग स्टाइल से बाल धोते हैं। डैड इस जगह आपके बाल धो जाएंगे, समझे आप? जानता हूँ मैं, तुमने क्या समझा? और एक बात और बता दूँ, आपके बाल ये 15 मिनट में धो देंगे और उसके बाद आपकी कटिंग होगी। ये भी जानता हूँ मैं। इससे आपको अच्छा लगेगा। सुनिए मैडम, आपको सर बुला रहे हैं।
हाँ ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। डैड पार्लर में पहली बार आए हैं। अरे बस सूख गए बाल, बस भी कर दो। आपको किस तरह का हेयर स्टाइल चाहिए? ऐसा हेयर स्टाइल दीजिए जिससे मेरी उम्र 4-5 साल कम दिखने लगे। शिनचैन अभी तुम्हारी उम्र है 5 साल, और कितना छोटा दिखना चाहते हो? बेकार की बातें मत किया करो यहाँ। तो तैयार हैं आप? तो बताइए सर, कौन सा हेयर स्टाइल करवाना है? किसी फिल्म स्टार जैसा हेयर स्टाइल बना दीजिए, और क्या। जो नहीं हो सकता वो रिक्वेस्ट मत कीजिए डैड। तुम अपनी राय अपने ही पास रखा करो, समझे। तो आपको चाहिए किसी फिल्म स्टार के जैसे हेयर स्टाइल, है ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे हैं आप। तो आप मेरे हाथों के हुनर पर विश्वास कर सकते हैं, मैं हूँ करिश्मा। रिदम के साथ बालों को काटा जाए तो बाल बहुत अच्छे कटते हैं, तो क्यों ना हो जाए थोड़ा म्यूजिक। हाँ। वेलकम बैक मॉम, हम आ गए। अरे तुम लोग वापस आ गई। तुम लोग बाबर शॉप नहीं गए क्या? नहीं, हम तो पार्लर होकर आ रही हैं। और ये सब क्या है हैरी? ये लेटेस्ट स्टाइल है मॉम। मैं लेटेस्ट स्टाइल के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप अभी अभी सोकर उठे हैं। मतलब कि हेयर स्टाइल बदलने से कोई फायदा नहीं, अब जैसे हो वैसे ही दिखोगे।